नमस्कार बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम 6.2 कर रहे थे। नेक्स्ट फर्दर 6.3 एक्सरसाइज करते हैं। 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 55 माइनस 14, अब सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है हमें। 55 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 41 आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, फिर नेक्स्ट थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं क्वेश्चन को। जैसे -7 माइनस ऑफ ब्रैकेट -11, अब ब्रैकेट आ गई है विद साइन आ गया बार, तो उसको हम सोल्व करेंगे। -7 एज इट इज, अब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा हमारा, प्लस आएगा, प्लस का 11। अब 11 माइनस 7 हमारा कितना होता है, 4 होता है, तो 4 क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। जैसे -45 माइनस 17, ठीक है ये करते हैं। अब इसमें क्या है, अब इस ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है तो सिंपली ब्रैकेट ओपन हो जाएगी तो -45 आएगा। यहां पे भी कुछ नहीं है तो -17 एज इट इज होगा। अब माइनस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का आता है। -45 माइनस 17 हमारा कितना होगा, माइनस का 62, ये हो गया हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। -1 प्लस -3 -1 माइनस ऑफ -3, ठीक है ये क्वेश्चन दे रखा है हमें। अब हमें क्या कर रहा है, इनइक्वालिटी का साइन देना है कि कौन सा लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है या फिर राइट हैंड साइड बड़ी है। ठीक है, अब पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। -1 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो -1 माइनस 3 कितना होगा हमारा, माइनस का 4 होगा। ठीक है, लेकिन यहां कितना होगा, -1 एज इट इज, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं है। अब इस माइनस की इस ब्रैकेट से जब ओपन होगी तो क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा हमारा, प्लस का 3। अब 3 माइनस 1 हमारा कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अब -4 और प्लस का 2, इन दोनों में कौन बड़ा है, प्लस का 2 बड़ा है, तो ये हम इस तरीके के साइन लगा देंगे। जिस तरफ फेस ओपन होता है वो होता है ग्रेटर साइड को शो करता है, और जिस तरफ ये नोच होती है वो स्मॉलर साइड को शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, -6 प्लus -5 plus -41, ठीक है अब इसको सोल्व करते हैं। -6 एज इट इज, क्योंकि उसके बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब प्लस के माइनस से मल्टीप्लाई होगी, ब्रैकेट है, तो माइनस का 5 आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस आएगा। प्लस की माइनस से होगी तो क्या आएगा, माइनस का 41। अब सिंपली ऐड कर देंगे सबको तो कितना आएगा हमारा, माइनस का 52, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। यही हमारे क्वेश्चन थे 6.3 एक्सरसाइज के। नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, वो भी ट्राई करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज का हमारा सेकंड का सी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन में, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 7 नंबर टू द राइट ऑफ -1। मतलब -1 के 7 स्टेप अगर हम राइट हैंड साइड को जाएंगे तो हम कौन से नंबर पे पहुंच जाएंगे। तो करते हैं, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा 0 -1 -2। अब -1 के राइट हैंड साइड जाना है तो लेफ्ट हैंड साइड कुछ नंबर बनाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है इतना सफिशियंट रहेगा। अब कह रहा है कि -1 के, ये रहा हमारा -1, इसके कहां जाना है, राइट हैंड साइड को जाना है, यानी राइट हैंड साइड हमारी ये वाली होगी। ठीक है, कितने स्टेप जाना है, 7 स्टेप जाना है, 7 बोल रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है अगर हम 7 स्टेप मूव करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, 6 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ हमारा, 6। इस तरीके से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके हमें दिखाना है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।